चायदानी। एक बार एक रसोई में जो बहुत ही दौलतमंद और संभ्रांत लगता था, वहां बैठी थी ब्लश चायदानी, जो बहुत ही महंगी और नाजुक थी। ब्लश को एक नर्म कुशन पर रखा जाता है और हमेशा वो घिरी रहती है चमचमाते प्यालों से। केवल सबसे ऊंचे ओहदे वाले नौकरों को ब्लश को छूने की अनुमति थी, वो भी दस्ताने पहनकर। ब्लश एक सुंदर चायदानी थी। उसका लंबा हैंडल और डोंटी थी, जिसे बहुत कलापूर्ण ढंग से मोड़ा गया था। उसे कीमती चीनी मिट्टी से बनाया गया था और हाथ से सजाया गया था। वो बहुत कलापूर्ण और सुंदर थी। चम्मच, कड़ाही और पुराना टिंडर बॉक्स और वो बड़ी सी पुरानी घड़ी, वो सब उसकी सुंदरता से सम्मोहित थे, पर किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। उन्होंने कभी उसके किए कामों की तारीफ नहीं की। वो छुप छुप कर उसकी ईर्ष्या करते थे। उसकी सुंदरता उन्हें डरा देती थी। वो जानते थे कि वो कभी भी उसकी तरह दोष रहित नहीं हो पाएंगे। पर ब्लश ने स्वयं में एक बहुत बड़ा दोष देखा। उसके ढक्कन पर एक छोटी सी खरोंच थी। वो इतनी छोटी थी कि उसके मालिक ने इस पर कभी गौर नहीं किया। पर इसने भी कभी ब्लश को संपूर्ण ना होने के एहसास से मुक्त नहीं किया। जबकि वो अपने मालिक के लिए सबसे सुंदर चायदानी थी, स्वयं ब्लश के लिए वो वैसी चायदानी थी जिस पर खरोंच है। ओ, ओ, क्या मुझे तुम्हारी ऑटोग्राफ मिल सकती है? प्लीज, बस मेरी चमचमाती सतह पर एक चाय की बूंद गिरा दो। मैं कुछ नहीं गिरा रही, समझी? वैसे तुम हो कौन? ओ, बेशक दूध का जग हूँ मैं। पहले वाला टूट गया तो मुझे तुमसे मेल खाने के लिए खास तौर से बनाया गया। मैंने स्टोर में एक महिला को ये कहते हुए सुना था कि सेट टूटने का उसे बहुत अफसोस होगा। उन्होंने अतिरिक्त पैसा दिया ताकि वो मुझे तुम्हारे जैसा बना सके। ओह, ये अच्छा है। क्या फिर तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। जब से मैंने उस महिला को बात करते हुए सुना था, मैं बहुत बेचैन था तुम्हें देखने के लिए, और मैं सचमुच अचंभित हो गया हूँ। तुम इतनी सुंदर हो। हाँ, धन्यवाद। बात क्या है? मैं उतनी सुंदर चायदानी नहीं जैसा तुम सोचते हो। मैं वो चायदानी हूँ जिस पर एक खरोंच है। मुझे इन सब तारीफों का हक नहीं है। खरोंच? हाँ, मेरे ढक्कन पर। मुझे हक नहीं है संपूर्ण और दोष रहित कहलाने का, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तुम क्या बात कर रही हो? तुम उतनी ही संपूर्ण हो जितना संपूर्ण हुआ जा सकता है। तुम नहीं समझ पाओगे। इस रसोई घर में हर कोई मेरे इस दोष के बारे में जानता है और वो मेरे इस दोष के बारे में बात करते रहते हैं। सुनो, क्या होगा यदि वो मालिक के हाथ से गिर जाए? बेशक वो गिरेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्यों इतना घमंड है अपने ढक्कन पर उस खरोंच का। ये सच है, और मुझे यकीन है कि वो खरोंच उसके अहंकार के कारण ही है। मैंने ये सुना है कि उसने अपना सिर गर्व से इतना ऊंचा उठाया कि वो झूमर से टकरा गई। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? झूमर वहाँ ऊपर है। नहीं नहीं, मुझे कहानी पता है। वो एक बार कहीं जाने के लिए कूद रही थी और उसका ढक्कन खुल रहा था और बंद हो रहा था। सबने उससे कहा कि अपनी रफ्तार कम करे, पर वो नहीं सुन रही थी। उसमें दरार आ गई और फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है, उसे तो खूबसूरत होना था, और अब देखो उसकी तरफ। देखा, तुमने सुना वो? हाँ, मैंने सुना। कैसे उनके किसी बात का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। सच कहूँ तो तुम झूमर से टकराई और तुम कूदी और तुमने खुद पर ढक्कन को गिरा दिया। आखिर कैसा मजाक है ये? मुझे विश्वास नहीं होता कि इस तरह से तुम पर खरोंच आई होगी। वैसे तुम्हें ये खरोंच आई कैसे? मुझे याद नहीं। खैर, तुम्हें ये याद नहीं है क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर क्या तुमने उन्हें सुना नहीं? मुझे तो सुंदर और संपूर्ण होना है, ये मेरा कर्तव्य है। तुम्हें सुंदर और संपूर्ण होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। वो ये सब चाय पर चर्चा है। सुनो, कोई तुमसे प्रेम करेगा और कोई तुमसे नफरत करेगा। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा किस पर खर्च करनी है, प्रेम पर या नफरत पर। तुम उसके बारे में चिंतित नहीं रह सकती कि सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं।
सिर्फ उसके बारे में चिंता करो जो तुम अपने बारे में सोचती हो। अंत में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तभी ब्लश को नौकर ने उठाया सफेद दस्ताने से। उसने उसका ढक्कन खोला और उसके अंदर गर्म पानी डाला। ब्लश को बहुत पसंद आता था गर्म पानी से भरे जाना। उसे अंदर से गर्माहट महसूस होती, पर हर बार अंदर ही अंदर वो इस बात से भी डरती थी कि अचानक उसकी खरोंच सबको नजर न आ जाए। इस बीच जब ब्लश व्यस्त थी बेमतलब की सावधानी बरतने में, कुछ बहुत ही गंभीर हुआ। जब उसका मालिक अंदर आया और उसे उठाया, वो इतना स्थिर नहीं था, जिसके कारण ब्लश उसके हाथ से फिसल गई। नहीं! बर्तन, चम्मच, मिल्क जग सब आतंकित होकर देख रहे थे जब चायदानी धड़ाम से गिरी और बस इसी तरह ब्लश फर्श पर धराशायी हुई। उसका ढक्कन चकनाचूर हो गया, उसका लंबा हैंडल और खूबसूरत टोंटी उसके पास ही फर्श पर गिरे पड़े थे। सुंदर चायदानी को उठाया गया और उसे वहां से ले जाया गया। ओहो, मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। सही कहा, उसे स्वयं को बेहतर संभाल के रखना चाहिए था। मुझे यकीन है ये उस खरोंच की वजह से हुआ और उसी की वजह से वो खुद को संतुलित नहीं कर पाई। क्या ये सच है? क्या मैं अपने दोष के कारण गिरी? ब्लश ये नहीं समझ पा रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी खुद को इस तरह गिरने से बचाने के लिए। उसे कई दिनों तक अटारी पर रखा गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या रखा था। ब्लश रोती रही पूरा दिन और पूरी रात। ओह, मुझे यहाँ बहुत फुर्सत होती है। मुझे रसोई घर की याद आती है। वो नरम सफेद दस्ताना, गर्म पानी, वो धूप, वो कुशन, मुझे वो हर चीज याद आती है। ये बड़ी अजीब बात है, जब मैं वहाँ थी मैं लगातार इसके बारे में चिंतित थी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने धूप का आनंद लिया हो। मुझे याद है मैं इस बात के लिए चिंतित थी कि मेरे ढक्कन की खरोंच रोशनी के नीचे नजर आ जाएगी। मैंने बहुत समय गवाया इस छोटी सी खरोंच के बारे में चिंतित होकर। कुछ दिनों बाद एक नौकरानी अंदर आई हाथ में एक सुंदर गुलाब लेकर। उसने ब्लश के पास वो गुलाब रखा। गुलाब गमले में नहीं लगाया गया था, इसके बजाय उसकी जड़ें एक सफेद कपड़े में बंधी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी गिर गए हो? गिर गई? कहाँ से? मैं यहाँ कुछ घंटे के लिए ही हूँ। वो मुझे फिर से बोने वाले हैं। नहीं, वो नहीं करेंगे। तुम्हारे भी दोष हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अपने कांटों की तरफ देखो। मेरे कांटे? मेरे कांटे मेरे दोष नहीं है, वो मेरा हिस्सा है। मैं स्वयं को कांटों के साथ पसंद करती हूँ। पर ये कैसे संभव हो सकता है? तुम अपने दोषों से प्रेम नहीं कर सकते। अंतिम बार कह रही हूँ, ये दोष नहीं है। ये कांटे मुझे वो बनाते हैं जो मैं हूँ। लोग शायद मुझे प्रेम करें या नफरत करें, पर मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। तभी मालिक अटारी पर आया अपनी उस बहुमूल्य चायदानी को देखने के लिए। ओह, मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में बहुत अफसोस होता है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं? जब मालिक वहां बैठ गया ये सोच विचार करते हुए कि उसे ब्लश के साथ क्या करना चाहिए, और ब्लश ने स्वयं में सोचा, ओह, वो अभी भी मुझसे प्रेम करता है। अब भी जब भी मैं एक कटोरा बन के रह गई हूँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? उसने कभी भी खरोंच की परवाह नहीं की थी। मिल्क जग सही कह रहा था, कोई मुझे प्रेम करेगा, कोई मुझसे नफरत करेगा। ये मैं हूँ जिसे ये फैसला करना पड़ता है कि अपनी ऊर्जा किस पर खर्च करूँ। इस पूरा समय मैंने नफरत को चुना, पर अब नहीं, इस दिन के बाद से मैं प्रेम को चुनती हूँ। अंत में ब्लश को हल्का और आजाद महसूस हुआ। उसने ये जाना कि वो बिना मतलब उन बातों का बोझ खुद पर लादे थी जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और अपने मालिक की ओर देखा। आह, उसकी तरफ देखो, वो मेरे बारे में कितना उदास है। यदि वो अभी भी इन सब के बाद भी मुझे नहीं छोड़ना चाहता, तब मुझे भी स्वयं से हार नहीं माननी चाहिए। चलो देखते हैं मैं कैसे उसकी मदद करूं।
ब्लश ने कुछ समय सोचा और अचानक उसे समझ आया। वो गुलाब, बेशक, वो मुझे गुलाब के गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ब्लश ने जल्दी ही खुद को गुलाब की तरफ सरका दिया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका मालिक उसकी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि मनुष्यों को चायदानियों की गुप्त जिंदगियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं था। वो गुलाब के बहुत करीब पहुंच गई और थोड़ा सा अपना सिर उस दिशा में झुका दिया। ओह, चलो उम्मीद करें कि ये कारगर हो, इससे उसे संकेत मिलना चाहिए। जब मालिक वापस मेज पर आया, वो बहुत उलझ गया ये देखकर कि उसकी चायदानी गुलाब के इतने करीब बैठी है। ये क्या? क्या तुम हमेशा गुलाब के इतने करीब बैठी हुई थी? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करूं। रुको, वो गुलाब, मैं अपना गुलाब तुम में उगा सकता हूँ। ओह, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं तो जीनियस हूँ। ओह हाँ, सही कहा, तुम्हें आइडिया था। वो भाग गया एक हाथ में ब्लश और एक हाथ में गुलाब को लेकर। बिना कोई समय गवाए उसने बाग से जल्दी जल्दी कुछ मिट्टी ली और उसे अपनी चायदानी के अंदर डाला। उसने थोड़ा पानी मिलाया और बहुत सावधानी पूर्वक गुलाब को उसमें लगा दिया। ये बहुत ही शानदार लग रहा था, एक खूबसूरत सा गुलाब एक खूबसूरत से गमले में। ब्लश सबसे प्रसन्न चायदानी थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वो टूटी हुई है या उसके किनारे उबड़ खाबड़ हैं। वो उसी रूप में स्वयं को प्रसन्न कर रही थी। वो हर दिन ताजा हवा और धूप का आनंद ले रही थी। अंत में स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करके उसने ये जान लिया कि उसमें कोई भी दोष नहीं था। वो एक टूटी हुई चायदानी नहीं थी, या वो चायदानी में जिसमें कोई खरोंच हो। वो तो बस थी ब्लश।